थोड़े दिनों के बाद इन सबके हट्टे कट्टे बच्चे पैदा होंगे। जैसे साहब ने बोला था, एकदम सुपरमैन की तरह। अरे ए, ओ, ओ मैडम, क्या किधर? क्या सेठ, अपन को भूल ही गया तू? अरे यार, तू कोई भूलने की चीज है क्या? वैसे अभी है ना, अपने को तेरी बहुत जरूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट है तू अपने लिए। अरे छेड़ती है मेरे को। क्या काम? ए, ओ, ओ मैडम, क्या इधर देख के? हेलो, यार मोहब्बत का भूत जब भी सर पे सवार होता है ना, तो अक्सर उसका एंड ऐसे ही मिलता है लोगों को, सुसाइड। तभी तो पब्लिक ने इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट रखी है। कभी शरीर पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं है, और इन चोटों से साफ जाहिर है कि मौत ऊंचाई से गिरने से हुई है। यू आर राइट, वेरी सिंपल केस, ओपन एंड शट सुसाइड। सर, हो सकता है इसे ऊपर से किसी ने धक्का दिया हो। एक काम कर, ऊपर जाके देख ले भाई, कुछ मिले तो पता ना। अरे 10 करोड़ मिला यहाँ पर। ये देख मैं। चाय आ गई। लाओ भी बुलाओ चाय। अरे भाई पत्ती मीठा डाला ठोके। अरे सर कोई कमी नहीं है। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे पकड़, शर्मा रहा है छोकरी के माफी। क्या रे, हम लोग पुलिस वाले तो फुकट में चाय पिए, तेरे ऐसे लोगों की वजह से ना हम लोग एक गुड पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। जा। जी सर। कड़क नोट किसको पसंद नहीं आता। सही बात है भाई, लेकिन अपने देश का प्रॉब्लम क्या मालूम है,
वो 10 की नोट को ऐसा पूरी बना के जेब में रख दे, ये समझ गए कि 10 का नोट 20 का हो जाएगा। अरे सही कहा तूने, लड़की के पास भी 10 का नोट एकदम करारा मिला, जरा भी मुड़ा वो नहीं। हाँ, एसीपी सर ने कहा था ये नोट शायद कोई कोड हो सकता है, मगर अभी तक तो सिर्फ यही पता चला है कि ये नोट असली है। हाँ, लेकिन ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं ना मेरा भाई, ना उसके कुछ घर वालों का आता पता है। खैर, अपुन ने अखबार में फोटो तो दिए ले, कोई जान पहचान को आएगा तो कांटेक्ट करेंगे, है ना सर। एक और लड़की की बॉडी मिली है स्टेट सेंटर टावर के पास। व्हाट? बॉडी है एम्बुलेंस में। साफ सी बात है कि इसकी मौत ऊपर से कूदने से हुई है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि इसकी बॉडी के पास से भी वही 10 रुपए का नया नोट मिला है। बॉडी देखें, कम इतने 10 का नोट, क्या समझ में नहीं आ रहा है पूरी बात क्या है। जाहिर सी बात है दोनों केसेस में कॉमन कड़ी है 10 का नोट, लेकिन इसका मतलब क्या है। खैर, आप बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दीजिए, जैसे रिपोर्ट आ जाए इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। आप में से किसी ने इसे जंप करते हुए देखा? चौकीदार कौन है यहाँ का? सर वो वहाँ गेट के पास होगा। अरे वो बिल्डिंग के रखवाले, ये चौकीदार है यहाँ का? जी सर। जो भी लड़की कूदी ऊपर से उसको आते आते देखा? याद नहीं है सर। याद नहीं के मतलब? यहाँ बैठ के जक मारने के पैसे मिलते हैं तन्ने? अरे अगर तन्ने अपना काम ईमानदार से किया होता ना, हमें कुछ मदद हो जाती। अरे ऐसे लोगों की वजह से शहर में लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। माफ कर दीजिए साहब। सर हो सकता है उसने रजिस्टर में एंट्री की हो, क्या पता वहां से कुछ पता चल जाए। रजिस्टर निकाल। लाए दे। कोई 34 नाम है मर्दों के, क्यों 5 नाम है लड़कियों के? क्योंकि सिर्फ 4 के आगे फोन नंबर लिखे हैं, ये किसका नंबर नहीं है? आरती। लेकिन अपने हीरो ने देखा भी तो नहीं ना, ये गारंटी है उसी की हैंडराइटिंग है। ध्यान से सुन, मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर इस बिल्डिंग के सारे दफ्तरों के लिस्ट, उनके फ़ोन नंबर्स, ओनर्स के नाम के साथ चाहिए, वरना आज के आज थारी गांव की टिकट कटा दूंगा मैं। और हाँ, जब हमारा कांस्टेबल डिटेल्स कलेक्ट करने आएगा तो उसे इस बिल्डिंग के CCTV CDs भी देना, ठीक है? जी सर। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चली है कि मरने वाली ये दोनों लड़कियाँ बहनें हैं। DNA से ये बात साफ पता चल गई है कि ये वाली बड़ी और ये वाली छोटी है। और हाँ, एक और बात, दोनों की डिलीवरी 1 महीने पहले ही हुई है। लगभग एक ही टाइम पे दोनों का प्रेग्नेंट होना, फिर मौत हो जानी, ये केस तो हर एक मिनट के साथ और भी पेचीदा होता जा रहा है। एनीवे, ऑटोप्सी के कुछ रिजल्ट्स आने बाकी हैं, अगर कोई फ्रेश डेवलपमेंट होती है तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। अपडेट सर, फिलहाल तो उन लड़कियों के पुलिस रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ सर। पर जी, ट्रेड सेंटर के सारे ऑफिस के एड्रेस स्कैन कर रहा हूँ, पर हो सकता है कोई शक के दायरे में आ जाए सर। और मेरी कुंडली में ये 10 रुपए की नोट, ऐसा शनि बन के बैठी है ना, पता ही नहीं चलता है सर मोबाइल नंबर है या कोई कोड नंबर है कि सीरियल नंबर है। लेकिन सर मेरी जांच चालू है, लगे रहो। सर, सर ट्रेड सेंटर टावर की CCTV CDs आ गई। ज़ूम करो। ये तो वही लड़की है जिसकी लाश ट्रेड सेंटर के नीचे मिली थी। तो दूसरी सीढ़ी देखो ना, जल्दी चलो।
सर ये लड़की 18th फ्लोर पर उतरी है। जल्दी ये रहा ठावरी मंजिल का प्लान। कुल मिलाकर अलग अलग इंडस्ट्रीज के 8 ऑफिस हैं सर इसके। सर उसके 2 फ्लोर ऊपर है टेरेस। जाहिर सी बात है ये लड़की 18वीं मंजिल पे किसी से मिलने गई या उसे बुलाया गया था। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो टेरेस पे गए और वहां से छलांग मार गए। सर जी कल सुबह होते ही 18वीं मंजिल और टेरेस अच्छे से छान मारेंगे। अरे भी कभी लाइफ में पहली बार तने काम की बात करी थी है। थारा अंदाजा एकदम करेक्ट निकला। अखबार में फोटो देखकर एक भी रिस्पांस नहीं आया। सारी लड़कियां इंडिया के बाहर की थी। अरे जो हमने बता दिया वैसा कर दो बस। हाँ अकेली माँ नहीं बन रहे हैं। अरे डॉक्टरों की गोली को मारो गोली। हम जो बोल रहे हैं वैसा कीजिए श्रीमती जी। प्रेगनेंसी में सब गोली वगैरह नहीं ली जाती हैं। हाँ हम तो पहले ही बताया था। हाँ तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि उस चीज का थोड़ा भाभी जी टाइम पुलिस मुंबई क्राइम यूनिट चल गड़े हो जा। इस बिल्डिंग की 18वीं मंजिल से कूद के एक लड़की की मौत हुई है। कुछ जानता उसके बारे में? आंसर देख। नहीं नहीं। अरे भाई याददाश्त पे जरा जोर डाल। आई होगी कभी तो थारी प्लेसमेंट एजेंसी में कोई काम मांगने। चांस ही नहीं है सर। क्या चुरन की गोली दे रहा है हम लोग को तू? हाँ ये तेरी प्लेसमेंट एजेंसी में क्या क्या कांड होते ना सब खबर है उसकी बेटा। चले काम कर। तेरे दिमाग में नहीं लेकिन तेरी झोपड़ी में उसका नाम हुआ। चल फटाफट खोल उसको। सर 5 साल के रजिस्टर्ड में हजारों नाम दर्ज है। पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी सर। मारी शाम की घनी चिंता हो रही है तन्ने। हाँ जो बता यहाँ कैसे काम धंधे दिलवाए जाते हैं। स्टाफ बॉय वॉचमैन सेक्रेटरीज घर पे काम करने वाली बाई है। अच्छा तो जितने भी लोग यहाँ पे रजिस्टर हैं उन सबके आईडी प्रूफ फोन नंबर इमरजेंसी पता वता सब ऑर्डर में है बराबर? जी सर बिल्कुल। कभी किसी से कोई झगड़ा कोई मारपीट कोई कंप्लेंट? नहीं सर अभी तक तो नहीं आई है। पक्का? मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है। भाई हजारों लोग रजिस्टर्ड है यहाँ पे एक के साथ भी कभी कोई पंगा नहीं हुआ। घना राम राज्य चला रखा तन्ने है। मतलब सर बाहर से जो लड़कियां काम करने के लिए आती हैं उनका वीजा वर्क परमिट सब कागज पत्री ऑर्डर में? हाँ हमारे पास होता है सर लेकिन कभी उनका वीजा एक्सपायर होने के बाद में वो लोग यहीं रुक जाते हैं। क्या रैमो भाई कुछ पता चल? ना भाई भैंस के आगे बीन बजाने का कुछ फायदा नहीं है। ये बेचारा तो कुछ जानता नहीं है। अच्छा काम कर फिर भी अगर थारे दिमाग की बत्ती जले ना कुछ भी याद आ जाए ना तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। सर दोनों बहनों के बारे में जैसे ही पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। यो जली थारे दिमाग की बत्ती। हाँ मन ने तो ना कहा थारे थे कि 2 बहनें हैं दोनों की मौत हो चुकी है। हाँ सर वो गलती से बोल दिया मैंने। गलती से सही बोल दिया तुमने। सर ये लड़कियां पड़ोस के देशों से यहाँ काम करने के लिए आती हैं। गरीबी की वजह से वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यहीं रुक जाती हैं। हम इनकी पहचान को गुप्त रखते हैं। बड़ी बहन के बारे में तो मुझे पेपर से पता चला था सर मेरी तो जान ही निकल गई थी। और सर दूसरी का हादसा तो सबको पता ही है। पुलिस इंक्वायरी से सर मेरी नौकरी चली जाती। सिर्फ इसलिए झूठ बोला था। अब देख अगर तू हम लोगों के साथ कोऑपरेट करेगा तो थारी नौकरी सही सलामत रहेगी। इन लड़कियों के नाम पता एड्रेस सारी डिटेल मनने चाहिए। हो सकता है तन्ने थाने बुलाया जाए पूछताछ के लिए। आ जाइयो। जी सर बाद में देखने पहले इन लड़कियों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। सर ऑटोप्सी के और रिजल्ट्स भी आ गए होंगे। एक काम करो तुम लोग निकलो मैं इधर आता हूँ।
डॉक्टर आप कह रहे थे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे इस केस के मायने बदल जाएंगे? दोनों लड़कियों की ब्लड स्ट्रीम में एक बड़ा रेयर सा केमिकल पाया गया है और इस केमिकल की कंपोजिशन चेक करने के लिए मैंने उसे एडवांस रिसर्च के लिए भेज दिया है। लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर कह सकता हूँ उन दोनों की मौत की वजह ये केमिकल ही है। मतलब दोनों की मौत ऊपर से गिरने से नहीं बल्कि इस केमिकल की वजह से हुई है, राइट? या आई एम 90% श्योर। सर, एक और लड़की की बॉडी मिली है। हमारा शक बिल्कुल सही निकला इंस्पेक्टर सम्राट। इस तीसरी लड़की की मौत की वजह भी पहले दो जैसी ही है। डॉक्टर साहब, माना कि ये लड़की भी कुछ देर पहले प्रेग्नेंट थी और इसके पास भी वो 10 रुपए का नोट मिला, लेकिन इसकी बॉडी तो रेलवे ट्रैक पे मिली है। या आई एग्री, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी बॉडी से भी वही केमिकल मिला और रिसर्च के मुताबिक ये केमिकल साइकोलॉजिकली विक्टिम को इतना डिप्रेस कर देती है कि उसमें सुसाइड करने की टेंडेंसी आ जाती है। डॉक्टर साहब, इस केमिकल का इनकी प्रेगनेंसी के साथ कोई कनेक्शन? हो सकता है। कई देशों में प्रेगनेंसी के बाद इस केमिकल का दवाइयों में उपयोग होता है। मतलब जरूर इस वक्त कोई प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ रैकेट एक्टिव है। लड़कियों को केमिकल दिया जाता है और वो उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। फिलहाल एक ही सुराग है जो हमें इस रैकेट की तह तक पहुंचा सकता है, वह 10 रुपए का नोट। सबसे पहले इन नोटों को चेक करते हैं। या Yeah, you are right. इसके अंदर एक मेटल चिप है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका इस्तेमाल क्या? ये तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ही बता सकता है। मैं अभी उनको इन्फॉर्म करता हूँ इस पर काम करने के लिए। जी सर, उन लड़कियों के माँ बाप को पता चल गया है, वो लोग पुलिस चौकी में आए। श्रीनिवास, मैं इंस्पेक्टर शौर्य, इंस्पेक्टर सम्राट, इंस्पेक्टर कब। नमस्ते, बैठिए बैठिए। हम लोग सब लोग मिल के आपके बेटियों का केस हैंडल कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटियां इस देश में इलीगली काम कर रही थी? मेरा मतलब है उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका था। सर, उनकी कोई गलती नहीं है, वो हमारा और अपने दो छोटे भाइयों का पेट पालने के लिए यहाँ काम कर रही थी। कहाँ काम कर रही थी? साहब ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं बाई का काम कर रही थी। आपको उनकी सैलरी कैसे मिलती थी? मेरा मतलब है वो अपने पैसे आपके पास कैसे भेजती थी? हाँ, वो एक आदमी था जो हर महीने उनकी तनख्वाह ला के दिया करता था। क्या आप उस आदमी की पहचान कर सकते हैं? उसका चेहरा बनाने में हमारी स्केच आर्टिस्ट की मदद कर सकते हैं? जी साहब। आकाश, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। अच्छा, एक बात बताइए, इन दोनों छोरियों के पतियों का क्या कहना है? मतलब उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनके काम करने से? पति? सर, वो दोनों तो कुंवारी हैं। ये भी बाहर गांव से लड़की आती है, इलीगली काम करते हैं इन लोग इधर। माँ बाप लोग को कुछ पता ही नहीं है। अभी अपन लोग क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे इन लोग? देखिए, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो किसी भी माँ बाप के लिए सुनना बहुत मुश्किल है। दो अलग अलग हादसों में आपकी दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी है। शांत हो जाइए। देखिए, आप
आप लोग हौसला रखिए। देखिए एक बात और है, एक महीना पहले ही आपकी दोनों बेटियों की डिलीवरी भी हुई थी। देखिए प्लीज धीरज रखिए, हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या गुजर रही है, हम पर भरोसा रखिए, हम आपसे वादा करते हैं जो कोई भी इसके पीछे है हम उसे बेनकाब करने के बाद ही दम लेंगे। अरे इंजीनियर साहब, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है? इंस्पेक्टर सम्राट, असल में ये नोट नहीं, एक एक्सेस कार्ड है, जिस तरह कार्ड ऑफिस में एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाला। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन से ऑफिस का एंट्री कार्ड है? सर ऑफिस है या कोई और जगह ये कहना मुश्किल है। इस मेटल चिप में एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ मालूम चलेगा वी विल इन्फॉर्म यू। प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिएगा। सर ये जो तीसरी लड़की है इसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में है, एक बार जब पिस्टल बार में छापा पड़ा था ये लड़की भी गिरफ्तार हुई थी। सर अरे मनोज बाबू क्या हाल है, डांस बार का नाम लिया नहीं और आपकी एंट्री। अच्छा कभी जाते क्या डांस बार में? क्या क्या कह रहे हैं साहब, पैसा दो। सॉरी अबुल मजाक कर रहे थे, आप कहेंगे भी कैसा एकदम, आप वो पत्नी व्रता टाइप के है ना, गुड मैन। श्रीमती जी प्रेग्नेंट है, कैसी तबीयत उनकी? आप उन्हें आप कैसे कैसे जानते हैं सर? पुलिस वाले है ना, स्पेशल यूनिट, यही तो अपनी खासियत है भाई। हम लोग की जो आग है ना एकदम चील के माफी है और कान कुत्ते के जैसे, कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करते हम। लेकिन अभी क्या आपका ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे, अभी क्या है ना एक छोकरी मर गई ली है, तो ज़रा बताओ आप वो इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्टर में थी या क्या है, उसका नाम दर्ज था है ना? नहीं ठीक नहीं,